आज हम आपको क्लाउड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में बताएंगे। तो जब वाटर बॉडीज़ के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो काफ़ी अमाउंट में जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और एयर के अंदर जाता है। अब एक तो वाटर बॉडीज़ के हीट होने की वजह से क्या होगा कि वाटर वेपर बनेगी, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि और भी बहुत सारी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि रेस्पिरेशन वगैरह, तो इतने सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या करते हैं, वो जब रेस्पिरेशन के थ्रू एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसके अंदर भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, और साथ साथ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, उससे भी वाटर वेपर एटमोसफियर में आती है। तो अब क्या होगा कि ये वाटर वेपर किसके अंदर मिक्स हो जाती है, एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। अब सनलाइट की वजह से जो एयर है वो हीटअप होती है, जब वो हीटअप होती है तो अब उस एयर के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर को लेकर ये हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है बहुत ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी, तो कूल होने पर क्या होगा कि इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये एक्सपेंड भी होगी। तो कंडेंसेशन होने पर ये क्या होता है, जब वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब क्या होगा कि ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, तो बीच में एक न्यूक्लियस जैसा एरिया क्रिएट हो जाता है और उसके चारों तरफ ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स या दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी जो है एयर के अंदर वो इस फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। किस फंक्शन को, कि बीच में एक न्यूक्लियस सा बनाने का काम करते हैं। जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स बनती जाती हैं, बड़ी होती चली जाती है उसका साइज, तो क्या होगा कि ये जो क्या होगा, एक तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही ये क्या होगा बहुत बड़ा और हैवी हो जाएगा तो अब ये और वाटर को होल्ड नहीं कर सकेगा, और वाटर को होल्ड नहीं कर सकेगा तो ये रेन की फॉर्म में क्या आना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एयर है वहाँ उसके बीच में कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो तब ये किसकी फॉर्म में, या तो स्नो की फॉर्म में या स्लीट की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में। अब ये क्या है, स्नो तो पता है आपको बर्फ़ होती है, हेल क्या होता है, हेल जो है वो होते हैं ओले, तो ये बीच में अगर टेम्परेचर कहीं इसको कम मिल गया तो फिर ये ओलों की फॉर्म में गिरने लग जाता है, और सर्दी में तो फिर ये पाले की फॉर्म में भी गिरता है। रेनफॉल पैटर्न जो है वो किस चीज़ से डिसाइड होता है, वो विंड की डायरेक्शन पर डिसाइड होता है। इंडिया के लार्ज पार्ट में अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पर इंडिया का मैप दिखा रखा है, तो मोस्टली जो मॉनसून विंड्स आती हैं वो या तो आती हैं साउथ वेस्ट से इस डायरेक्शन से, या आती हैं फिर नॉर्थ ईस्ट से। तो किस लिए आती हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा मॉइस्चर वाली एयर आएगी और वही मॉनसून विंड्स होती हैं। हमने वेदर रिपोर्ट्स में कई बार सुना है कि डिप्रेशन वर्ड हमने सुना है कि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से कुछ एरियाज़ में रेनफॉल हो रहा है। तो ये डिप्रेशन वर्ड क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप न्यूज़पेपर से क्या कर सकते हैं, या वेदर रिपोर्ट टेलीविज़न पे जो आती है उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो रेनफॉल पैटर्न है वो किस तरीके का है, और साथ साथ आप रेन गॉज भी बना सकते हैं। अब रेन गॉज क्या होता है, रेन गॉज एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी दिन कितनी बारिश गिरी है, कितने mm बारिश गिरी है, उससे हमें पता चल जाता है। अब रेन गॉज कैसे करते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई कितने मिलीमीटर बारिश हुई, तो 1 mm चौड़ाई का एक क्या ले लेंगे, एक अपरेटस है ये, टेस्ट ट्यूब जैसा समझ ले सकते हैं आप, जिसमें मिलीमीटर में, और ये भी जो स्पेस है वो कितना है, मिलीमीटर वाला ही है। तो बारिश इसके अंदर, रेन वाटर इसके अंदर कलेक्ट होता है, तो जितनी भी पॉइंट्स तक ये कलेक्ट होगा उतनी mm क्या मानी जाती है कि बारिश हो गई है।
तो ये चीज़ होती है। अब हम ये भी देख सकते हैं जब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे कि किस मंथ में हमारे सिटी में, टाउन में या विलेज में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, और या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि किस मंथ में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। और कई बार तो बारिश के साथ साथ थंडर और लाइटनिंग भी होती है, मतलब गरज और बिजली चमकना ऐसा भी होता है। इफ़ नॉट वी इन विच सीजन डू यू गेट मोर थंडर एंड लाइटनिंग विद द रेन, तो इस तरह का जो होता है वो कई बार सर्दी के मौसम में भी आपको इस तरह का दिखाई देगा कि थंडर और लाइटनिंग हमें दिखाई देती है। और फिर सेकंड एक्टिविटी आपको इसमें दी हुई है कि आप लाइब्रेरी में जाके साइक्लोन और मॉनसूनस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और अपने इंडिया के अंदर रेनफॉल पैटर्न के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और ये देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से जो रेन का है वो पैटर्न किस तरीके से चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है? हम लगातार इस तरह की बातें सुनते रहते हैं कि अब एयर के न्यूज़ में हमें ये सब बातें सुनाई देती रहती हैं कि एयर के अंदर अब नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं उनका अमाउंट अब बढ़ गया है, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमेशा इस बात पे दुख दिखाते रहते हैं कि भाई जब वो छोटे थे तो उस टाइम पर जो एयर की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, उसके कंपैरिजन में आज के टाइम पर जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो गई है। तो एयर की क्वालिटी पर किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी क्वालिटी के चेंज होने से जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर से हम क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं, तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा वो हम लोगों को हार्म करेगा, हम लोगों को भी करेगा और साथ साथ प्लांट्स को भी करेगा। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल है या पेट्रोलियम है, उनके अंदर स्टोर हाउस होता है, उनके अंदर क्या, जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है, उनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। तो जब उनकी बर्निंग होती है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं, और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं फिर कहाँ जाते हैं, एयर के अंदर जाते हैं। तो अगर एयर के अंदर इस तरह के ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं और उस एयर में हम इनहेल कर लेंगे, हम सांस ले लेंगे उस एयर में, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसके अलावा अगर बारिश आई तो बारिश के पानी के साथ वो घुल के क्या कर सकते हैं, एसिड रेन कर सकते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से, उनके कंबस्चन की वजह से एयर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जैसे धुआं क्रिएट होगा। तो आप देखते हैं अगर हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो ब्लैक कलर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के अंदर मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, इन्हीं को हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, अनबर्नड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अगर ये जो पोल्यूटेंट है अगर एयर के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है एयर के अंदर वो पुअर हो जाती है, और स्पेशली जब ठंड का टाइम होता है, कोल्ड वेदर होता है, तो उस टाइम पर तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाती है, तो तब इसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी वजह से स्मॉग क्रिएट होती है। तो स्मॉग जो है वो सर्दियों में ही होती है हमेशा, और ये स्मॉग होना किसी भी एयर, जब भी स्मॉग ज़्यादा होती है तो ये एक इंडिकेशन होता है एयर पोल्यूशन का। और स्टडीज से ऐसा देखा गया है कि अगर हम रेगुलर ब्रीद करें इस तरह की एयर में जिसमें कि इस तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, जैसे अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स हैं या कार्बन पार्टिकल्स हैं, तो उनकी वजह से हम लोगों में एलर्जी हो सकती है, हमें कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो अब ये जो है, इसीलिए हम जो है इतने कंसर्न रहते हैं कि एयर के अंदर इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस ना हों, और हम एयर पोल्यूशन के बारे में इतना डिस्कस करते हैं। तो आज हम यहीं तक का लेंगे, बाकी का टॉपिक फिर आपको कल कराएंगे।